This is a question asked in Gate Instrumentation Engineering 2004. So I will try to get you insight in this question. So thermocouple can be considered as a single capacitor system with time constant of 100 millisecond and unity gain. It is immersed in a heat bath whose temperature is varying at 1 degree per centigrade from 0 degree centigrade. तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जीरो से अगर वन जा रहा है तो मतलब क्या है, यूनिट स्टेप हो रहा है उस केस में, तो हम कह सकते हैं कि स्टेबलाइज होने के लिए फोर टाइम कांस्टेंट चाहिए। तो जब एक्चुअल टेम्परेचर अगर 70 है यहाँ पे, ठीक है, तो 70 अगर एक्चुअल टेम्परेचर है तो अभी जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हुआ किसके कारण होगा, 69 के कारण भी होगा, 68 के कारण भी होगा, है ना, ऐसे करके सभी का टाइम कांस्टेंट का ऐड होगा, ठीक है। तो 70 अगर है तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या चाहिए, 4 टाइम कांस्टेंट चाहिए। तो एक तो शॉर्टकट ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, क्या कि इसमें मैं 4 टाइम कांस्टेंट 3 टाइम कांस्टेंट को स्टेबलाइज करके 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि इसको फर्स्ट टाइप का ट्रांसफर फंक्शन लिखो, फिर जो ये जो इनपुट है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।